सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी सुजलोन एनर्जी को लेकर। सुजलोन एनर्जी में पीछे रिजल्ट्स के चलते एक दो दिन हमें दबाव देखने को मिला और आज जो स्टॉक है वो हमें बिल्कुल पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और तकरीबन 4.5% की जो तेजी है वो देखने को मिली है। इसी बीच ASM की अगर बात की जाए तो स्टॉक आपको ASM की फोर्थ स्टेज में अभी भी एक्टिव दिखाई दे रहा है, ठीक है। काफ़ी टाइम से अभी फोर्थ स्टेज में एक्टिव, ये जैसे ही ASM से रिलीज होगा बाहर आएगा, उसके बाद इसका सर्किट फिल्टर है वो भी चेंज हो जाएगा। 5% अभी टाइम वो 10-20 कुछ भी हो सकता, अभी वो तो बाहर आने के बाद ही की बात है। लेकिन अभी टाइम एक बड़ी खुशखबरी आते हुए नजर आई आज के दिन, जिसके चलते स्टॉक में ये तेजी बनी है। और इस खबर के बाद आप लोग देखो, इससे पहले भी एक न्यूज आई थी और ये न्यूज आई जो आई है वो रिजल्ट्स के बाद एक और आते हुए नजर आ गई है। यानी कि इन जो ये खबरें आई हैं इनका जो इफेक्ट है वो आने वाले टाइम में स्टॉक के ऊपर हमें और अच्छा देखने को मिलेगा। इसलिए पहले भी आपको बोला था कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बेस्ट है और अभी भी आप लोग देखो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को हम होल्ड करके चल सकते हैं। तो चलिए देखते भी। और हाँ, एक और अभी इसी इंडस्ट्री से बिलोंग कर रही कंपनी आयनॉक्स विंड। आयनॉक्स विंड में एक बड़ा मौका है, स्टॉक 20 से 25% के आसपास डिस्काउंट पर है, ठीक है। ब्लॉक डील के माध्यम से वहाँ पर जो अभी प्रमोटर्स ने 5% स्टेक बेचा था, इसलिए स्टॉक में 25% के आसपास की गिरावट मिल रही है। और उस गिरावट के अंदर बहुत अच्छे मौके भी आयनॉक्स विंड के अंदर, ठीक है। 31 मार्च को कंपनी की मीटिंग भी होनी है फंड रेजिंग को लेकर, तो इसलिए आप लोग देखिए जो इलेक्शन रिजल्ट से पहले अगर आप लोगों को शेयर खरीदना है तो आयनॉक्स विंड एक बेस्ट पिक साबित हो सकता है। तो चलिए भी आप देख लेते हैं सुजलोन एनर्जी के क्या खबर आई और उसके आगे के क्या रहेंगे टारगेट वगैरह। तो यहाँ पर आप लोग देखो कंपनी की तरफ से एक नोटिस पब्लिश किया गया आज के दिन, ठीक है। और ये नोटिस 29 मई को सुबह सुबह आते हुए नजर आई खबर है भैया, जिसके चलते स्टॉक में तेजी बनी। यहाँ पर देखो सुजलोन एनर्जी को जो है भी एक ऑर्डर मिलते हुए नजर आया, 551.25 मेगावाट का ये ऑर्डर, ठीक है। और ये 3 मेगावाट की जो इसकी सीरीज है ना, विंड टर्बाइन सीरीज है, उसके लिए कंपनी को ऑर्डर मिला। ये कहाँ से मिला अभी? ग्लोबल इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट से, ठीक है। आदित्य बिरला ग्रुप से जो है कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिल चुका है, जिसके चलते आप लोग देखो आने वाले टाइम में स्टॉक के ऊपर और भी अच्छा इफेक्ट आएगा। अभी टाइम तो तेजी बनी रही है स्टॉक में, ठीक है। आदित्य बिरला ग्रुप से ऑर्डर मिला है लगभग 551.25% जो है मेगावाट का, 175 विंड टर्बाइन जो है यहाँ पर कंपनी लगाएगी। और आपको बता दूं, देखो भी बहुत से निवेशकों के कमेंट आते हैं कि कंपनी जो है कॉस्ट मेंशन नहीं करती, अभी कितने कॉस्ट का ये ऑर्डर रहने वाला है। आप लोगों को पहले भी बोला था 5 से 6 करोड़ रुपए, जहाँ 5 से 6 करोड़ रुपए 1 मेगावाट को इंस्टॉल करने का कॉस्ट आता है लगभग, ठीक है। 5 से 6 करोड़, तो आप लोग इसको कर लो भी मल्टीप्लाई 550 से, ठीक है, आपकी आ जाएगी भी 5.5 करोड़ लेके चलिए, ठीक है। 5 से 6 करोड़ होता है, 5.5 करोड़ लेके चलिए आप लोग, मल्टीप्लाई करो आ जाएगा भी क्या आपको जो ना भी कितने करोड़ का जो ना भी जो ऑर्डर है वो कंपनी को यहाँ पर मिलते हुए नजर आया। तो ऐसे आप लोग भी जो ना भी नेट पर सर्च कर सकते हो भी कितने करोड़ का आखिरकार जो ना भी कॉस्ट आती है 1 मेगावाट को इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। तो यही आप लोग देखोगे भी 2500-3000 करोड़ के आसपास के ऑर्डर है इसको जो मिलते हुए नजर है आज का, तो 2500-3000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर, एक पहले भी मिला था ना इसको अभी रिजल्ट आने से 1-2 दिन पहले, ठीक है। तो वो भी आप लोग देखोगे लगभग 2500-2500 करोड़ के आसपास का था, ये भी आप लोग देखोगे। तो कंपनी ने बहुत बड़े बड़े ऑर्डर विन किए, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा इंपैक्ट इसका भी आते हुए नजर आएगा। तो चलिए अब देखते भी चार्ट इसका। तो यहाँ पर देखोगे भी सुजलोन एनर्जी के अंदर हमें हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिली थी लगभग 48 रुपये के आसपास से, रिजल्ट थोड़ा सा ख़राब आ गया था भाई, वो आपने देख ही लिया होगा। और उसके बाद जो थोड़ा बहुत दबाव स्टॉक के ऊपर था, लेकिन मैंने आपको पहले बोला था ये जो गिरावट आई है लंबे समय तक नहीं चलने वाली है, ठीक है। कहीं आपको लगे अभी रिजल्ट ख़राब है तो स्टॉक अब नॉन स्टॉप टूटेगा, नहीं, तो 1-2 दिन ऐसा रहेगा, उसके बाद स्टॉक में फिर से रिकवरी आ जाएगी और यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। तो रिकवरी आ गई ना, अभी 46 के रेंज में आ गया स्टॉक, अब अगला जो टारगेट रहेगा 47.80 और 50, तो ये टारगेट स्टॉक में हमें देखने को मिल सकते हैं। और स्टेबल गवर्नमेंट अगर फिर से आती है 4 जून को जो इलेक्शन रिजल्ट्स है, तो उस कंडीशन में आप लोग देखोगे यहाँ पर और भी अच्छा इफेक्ट आ सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा और कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। नीचे में सपोर्ट की बात है, 40 रुपये का सपोर्ट बना हुआ है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।